हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ और हम किस तरह से प्राकृतिक रूप से या नेचुरल वे में ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, उन तरीकों के बारे में बताना चाहूँगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस या पब्लिक अवेयरनेस के लिए है। इसमें किसी कंपनी या ब्रांड की को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, जब हमारा हार्ट पंप करता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसमें जो ब्लड होता है वो खून की धमनियों से हमारे अलग-अलग बॉडी पार्ट्स में जाता है। जब हार्ट पंप करता है उस समय जो प्रेशर खून की धमनियों में जनरेट होता है, बनता है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है और ब्लड को उन धमनियों में फेंकता है, तो उस समय जो ब्लड का दबाव बनता है उन धमनियों में उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो हार्ट जब रिलैक्स करता है उस समय जो धमनियों में ब्लड का प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। 2023 की यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन गाइडलाइंस के मुताबिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोगों में ऊपर वाला मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 139 की रेंज में है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम बोल सकते हैं जब हार्ट रिलैक्स करता है वो 80 से 89 की रेंज में है। मींस किसी भी इंसान में नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 120 से 139 के बीच में और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से 89 के बीच में होगा। तो इसी तरह से जब किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला मीन्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर हो और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर हो तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ बोलते हैं। इसके अलग अलग ग्रेड्स हैं, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 3 में हो जाता है कि जब किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 180 से ऊपर हो या फिर 100 नीचे वाला 110 से ऊपर हो तो उसको हम ग्रेड 3 हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो उसको हम मेडिकल टर्म्स में हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये तो हो गया ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, ऊपर वाला 120 से 139 के बीच में और नीचे वाला 80 to 89 के बीच में। अगर 140 और 90 ब्लड प्रेशर है किसी का तो हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में उसको गिना जाएगा। दोस्तों, जब भी हम ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाने जाते हैं या घर में भी चेक करते हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हमें जब भी ब्लड प्रेशर अपना चेक करना है हमें स्मोकिंग नहीं की होनी चाहिए, कॉफ़ी नहीं पी होनी चाहिए और ना ही हमें एक्सरसाइज की होनी चाहिए। अगर हम स्मोकिंग करते हैं, कॉफ़ी पी रखी हो या एक्सरसाइज कर रखी हो तो हमें कम से कम 30 मिनट वेट करना है। हमने प्रॉपर तरीके से पहले यूरिन पास कर लेना है, पेशाब कर लेना है और 5-10 मिनट रिलैक्स करना है। और जिस कमरे में हम ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं वहाँ शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्वाइट रूम होना चाहिए, कंफर्टेबल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना ज़्यादा बहुत सर्दी होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए। और जब हम ब्लड प्रेशर के लिए बैठते हैं तो हमारी बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, उस समय हमें कोई बात नहीं करनी है। और जिस बीपी मशीन से हमारा ब्लड प्रेशर नापा जा रहा है उसका कफ का जो साइज़ है जिससे हम बांधते हैं उसका साइज़ भी प्रॉपर होना चाहिए, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। और जो हमारी बाजू है उसकी पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए, एल्बो जो है हमारी वो टेबल के ऊपर रेस्ट करनी चाहिए। और जिस मशीन से हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ये प्रॉपर वैलिडेटेड बीपी मशीन होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हम बीपी चेक करने से पहले अमल में लाएं तो उस समय जो भी हमारा ब्लड प्रेशर होगा वो बिल्कुल सही
माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम बैठते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, तो हमारे पैर क्रॉस नहीं होने चाहिए, सीधा ग्राउंड के साथ फ्लैट फुट मतलब फीट हमारे ग्राउंड को टच करने चाहिए, क्रॉस लेग नहीं बैठना है, स्ट्रेट बैठना है। और ब्लड प्रेशर चेक करवाते समय हमें बातें नहीं करनी है, बिल्कुल कंफर्टेबल रूम में रहना है। उससे पहले हमें कोई स्मोकिंग, कॉफ़ी या एक्सरसाइज नहीं की होनी चाहिए, 3 से 5 मिनट रिलैक्स हुए होना चाहिए। उस समय जब हम ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेते हैं, हम कम से कम 1 मिनट के अंतराल के ऊपर 3 बार रीडिंग लेते हैं, और जो लास्ट 2 वाली रीडिंग की जो एवरेज होता है, उसी को हम ब्लड प्रेशर, एक्चुअल ब्लड प्रेशर बताते हैं, ये इसका ब्लड प्रेशर हो सकता है। दोस्तों, बहुत से लोगों में जिनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है या उच्च रक्तचाप होता है, उनमें किसी तरह की कोई लक्षण नहीं होते या उनको किसी तरह की शिकायत नहीं होती। लेकिन कई लोगों में ये पाया गया है कि जिनमें बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, उनमें सिर दर्द की शिकायत रह सकती है, उनको छाती का दर्द हो सकता है, उनके पेशाब में खून आ सकता है, उनको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। कई लोग जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो उनको उल्टी वाला मन या जी मचलाना हम बोल सकते हैं, या फिर उल्टियाँ हो सकती हैं, और कई लोगों को घबराहट या पेल्पिटेशन हो सकती है, चक्कर आ सकता है, और कईयों में तो नाक से खून आना भी शुरू हो जाता है। और कई लोगों में देखा गया है जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको धुंधला दिखाई देता है। दोस्तों, हम आए दिन कोई ना कोई दवाई का सेवन करते हैं, चाहे वो कॉमन जुकाम के लिए हो, पेन किलर्स हो, तो कुछ दवाइयां हैं जिनका अगर हम लगातार सेवन करते रहें या उनको लेते रहें, तो उनसे भी हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है। जैसे हम ये जो दवाई है एम्फेटामीन, ये बेसिकली कई लोगों को मतलब हमें ये स्टिमुलेंट का काम करती हैं, जैसे फिनाइल प्रोपेनलोमीन है, एफिडरीन है, ये या सीटोएफिड्रिन है, ये कोल्ड या जुकाम की दवाइयों में इस्तेमाल होती हैं। तो इनका अगर हम लंबे समय तक सेवन करें, हमें इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कुछ पेन किलर्स हैं जैसे ब्रूफिन है, वोबिरान की टेबलेट होती है, या सेलिकॉक्सिब है, इनसे भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्टेरॉइड्स जो लोग लेते हैं, चाहे वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए या किसी बीमारी के लिए, उससे भी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो लोग कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, या कई दवाइयों में कैफीन पाया जाता है, उनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो औरतें ओरल कंट्रासेप्टिव, जो गर्भ निरोधक टैबलेट्स होती हैं, गर्भ निरोधक, उनका सेवन करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे डिप्रेशन के लिए या साइकोटिक इलनेसेस के लिए दवाइयाँ ली जाती है, उनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और कुछ पेशेंट जिनमें जो कैंसर के मरीज़ होते हैं, या कोई और बीमारी के लिए जहाँ इम्यूनो सप्रेसेंट देना पड़ता है, टैक्रोलिमस या साइक्लोस्पोरिन टैबलेट्स, इनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर हम ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल ना करें प्रॉपर तरीके से, चाहे वो लाइफस्टाइल से या अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके या दवाइयों से, तो अगर हम ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल करते हैं, तो ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर का काम करता है, और उस समय उससे हमें हार्ट अटैक हो सकता है, या हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनियाँ हमारी ख़राब हो सकती हैं, उससे सेक्सुअल डिसफंक्शंस हो सकते हैं, लोगों में जो लिम्स की वेसल्स हैं, खून की धमनियाँ हैं, उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी में किसी को ब्लड प्रेशर होता है, तो माँ और बच्चे दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशंस हैं। लोगों में अचानक आँख की रोशनी जा सकती है, और कई लोगों में कॉग्निटिव डिक्लाइन मीन्स सोचने समझने की शक्ति भी कम होती है, डिमेंशिया हो सकता है, या फिर कई बार कई ज़्यादातर लोगों में हार्ट अटैक के साथ साथ स्ट्रोक जाने के लकवे की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसका प्रॉपर तरीके से हमें इलाज करना चाहिए या करवाना चाहिए। तो अब हमें जब ब्लड प्रेशर हो जाता है, हमने देखा कि हमारा ब्लड प्रेशर 140 ऊपर वाला 140 है या इससे ज़्यादा है, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर, इसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो 90 या उससे ज़्यादा है,
तो हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और डॉक्टर अगर हमें दवाइयाँ लिखता है, दवाइयाँ देते हैं, तो हमें दवाइयों का जरूर सेवन करना चाहिए, और हमें अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, और डॉक्टर के पास रेगुलरली विजिट करना चाहिए, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जब डॉक्टर देते हैं तो उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उनसे हमारे कई ब्लड रिपोर्ट्स में गड़बड़ी हो सकती है, तो इसलिए डॉक्टर आपको बुलाते हैं हर 15 दिन में या महीने में, ताकि वो प्रॉपर उनकी जांच करके वो बता पाए कि दवाइयाँ आपकी ठीक काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, कोई दवाई का डोज कम या ज़्यादा तो नहीं करना है। और इसके बाद होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि हम अपने दिनचर्या में किस तरह से चेंजेस ला के अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। डैश डाइट होती है, मीन्स डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें कौन कौन सी खाद्य पदार्थ हैं जो हमें खाने हैं और कौन से नहीं खाने हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और योगा और मेडिटेशन, ये तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बीमारी को हमें किसी भी बीमारी से हमें बचाने के लिए। दोस्तों, लाइफस्टाइल चेंजेस में हम कैसे अपना ब्लड प्रेशर कम करना है? सबसे पहले, अगर हमारा वज़न ज़्यादा है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा वज़न है या वेट है, उससे हमें कई तरह की बीमारी लगती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो हमें जब भी हमारा ब्लड अगर हमें हमारा वेट ज़्यादा है, तो हमें देखना है कि हमारा वेट जो है मसल वेट की वजह से है या बेली फैट की वजह से है। अगर हमारा जिन लोगों को पेट में चर्बी होती है या बेली फैट बड़ा होता है, तो उन लोगों में देखा गया है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों में हमेशा अपने आप उनको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, फिट रहना है, और अपना बेली फैट रिड्यूस करना है। अगर किसी का हमारा टारगेट जो होता है वेस्ट, जो हमारी कमर है, और उसको अगर हम हाइट से डिवाइड करें, तो उसकी रेशियो जो है अगर 0.5 से नीचे आ रही है, तो इसका मतलब कि वो उसका जो वजन है वो मसल की वजह से है या बोन्स की वजह से है, फैट की वजह से नहीं है। तो जब भी हम अगर हम ओवरवेट होते हैं, तो हमें खाने पे विचार रख के जो अपने दैनिकचर्या में एक्सरसाइज करके अपने वेट को रिड्यूस करना है, और कोशिश करनी है कि हमारी जो वेस्ट हाइट रेशियो है वो लेस देन 0.5 हो। दोस्तों, जब भी हमें बीपी होता है और जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं, चाहे एरोबिक एक्सरसाइजेस मीन्स जिसमें हमें जैसे वॉकिंग होती है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है, स्विमिंग करनी है, इवन कि घर में डांसिंग या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इनसे हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जो खून की नसें हैं या धमनी हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने होने से बचाता है, उनको डायलेट करता है या खुला करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम हफ्ते में कम से कम 150 मिनट वॉक जरूर करें या 150 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करें, यानी कि हफ्ते में मिनिमम 5 दिन तो हमें एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। लेकिन जब हम रेस्ट करते हैं, तो 2 दिन से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो जब हमारे हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हमारा मूड तो इससे अच्छा होता ही होता है, हमें अच्छा लगता है, ठीक है, और कई तरह का हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, हमारे जो याददाश्त रहती है वो अच्छी रहती है, ताज़ा रहती है, हमें डिप्रेशन या एंग्जाइटी से हम अपने आप को बचा सकते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ। दोस्तों, जब हम सिगरेट पीते हैं, तो हमें पता है कि सिगरेट पीना हम बहुत ही हानिकारक है, दुनिया भर की बीमारियां इससे होती हैं, कैंसर से लेके ब्लड प्रेशर से लेके। तो हमें कोशिश करनी है कि स्मोकिंग को बाय बाय बोलना है, स्मोकिंग को क्विट करना है। तो ये देखा गया है कि जैसे ही हम स्मोक छोड़ देते हैं, तो हमारा 20 मिनट के अंदर अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, और 3 दिन के बाद तो हम बहुत अच्छी तरह से सांस लेते हैं, सांस लेना शुरू कर देते हैं, और 1 साल के बाद हमारा जो हार्ट अटैक सिगरेट पीने से हो सकता है, उसका रिस्क जो है बिल्कुल आधा हो जाता है, और 10 साल के बाद तो लंग कैंसर का रिस्क भी ऑलमोस्ट जो कि नॉन स्मोकर में होता है उस तरह का हो जाता है। हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल कम होता है, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर हम सिगरेट छोड़ देते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो स्मोकिंग से रिलेटेड
हार्ट अटैक या कैंसर के शिकायतें हैं वो बिल्कुल कम होना शुरू हो जाती हैं, और 10-15 साल में हम बिल्कुल नॉर्मल, हमारे फेफड़े बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं। तो हमें हमेशा सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट से बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और कोशिश करनी चाहिए कि हमें इसको क्विट करना है। तो कैसे क्विट करें? जब मन में आ गया कि भाई मैंने छोड़ना है, तो फिर आप इसको छोड़ ही दीजिए, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, और अपने आप के ऊपर प्राउड फील करना है कि मैंने छोड़ दिया है। जब भी आपको इसकी क्रेविंग हो, उस समय आप वेजिटेबल खाओ, फ्रूट खाओ, एक्सरसाइज करो। जब आप इन चीज़ों में अपने आप को ढालोगे, फ्रूट खाना, वेजिटेबल खाना शुरू करोगे, एक्सरसाइज करना शुरू करोगे, तो आपको अच्छा लगेगा और आपका मन नहीं करेगा। और हमेशा एक लिस्ट बनानी है, कॉपी उन पे नोट कर लेना कि मैं इसको छोड़ूंगा तो मेरे को ये फ़ायदे होंगे। और नेचुरली अगर आप सिगरेट छोड़ते हो तो आपको इससे आपका पैसा तो बचता ही है। दोस्तों, दवाइयाँ या ड्रग्स जैसे कोकेन, MDMA लोग लेते हैं, इनको नहीं लेना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अल्कोहल, हमारे लोग बोलते हैं कि थोड़ा बहुत अल्कोहल ले लो, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अल्कोहल ब्लड प्रेशर को कम नहीं करता है, इससे अल्कोहल से दारू पीने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता ही है। तो हमें अल्कोहल या फिर ये जो नशा करने वाली दवाइयां हैं, जैसे कोकेन है, MDMA है, जो रेप पार्टीज होती हैं, जो लोग लेते हैं, इनमें हमें इससे हमें बचना चाहिए। सॉरी, जो डैश डाइट है, मीन्स डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इसमें हमें वो डाइट लेनी है जिसमें कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट्स की क्वांटिटी अधिक मात्रा में हो। जैसे हम देख सकते हैं कि पोटाशियम रिच फ्रूट्स एवोकाडोज हैं, पम्पकिंस हैं, पोमेग्रेनेट है, केला है, मशरूम्स है, कोकोनट वाटर है, पीज है, कोकम्बर है, पोटैटोज है, स्पिनिक है, वाटरमेलन है, ये जो बीट रूट है, चुकंदर, इसमें नाइट्रेट्स काफ़ी ज़्यादा होता है। नाइट्रेट्स मैंने बताया आपको, नाइट्रेट लेने से हमारी ब्लड प्रेशर की जो सॉरी खून की धमनियाँ हैं वो खुलती हैं, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। हमें होल ग्रेन पल्सेस, लीफी वेजिटेबल्स, टोफू, ये लेना है। हमें हमेशा लो फैट वाला मिल्क लेना है, या दही या चीज़, इनको अवॉइड करना है। चीज़ को तो अवॉइड करना चाहिए, अगर लेना भी है तो हमें जिसमें लो फैट हो वही लेना है। फ्रूट्स में हमें ग्रेप्स, मतलब अंगूर हो गया, केला हो गया, पपाया हो गया, एवोकाडोस हो गए, ये लेने हैं। बीन्स, नट्स, ये अच्छे हैं। पीस मैंने बता ही दिया इसको। एक से तीन, 1-2-3 कप कॉफ़ी या ब्लैक टी, ग्रीन टी अच्छा है सेहत के लिए, इससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होता है। हमारी खाने में जो साल्ट है उसकी मात्रा 5 ग्राम से कम होनी चाहिए। 5 ग्राम मीन्स अगर एक चाय का जो चम्मच होता है उसमें अगर साल्ट लें, हम नमक लें, तो वो 5 ग्राम होता है। तो हमारा डेली का जो इनटेक है उसका साल्ट का, वो 5 ग्राम से कम लेना चाहिए। हमें जिन खानों में नमक ज़्यादा है, नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिन खानों में नमक की क्वांटिटी ज़्यादा हो हमें वो अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जैसे सूप हो गया, अचार हो गया, अचार में बहुत ज़्यादा नमक होता है, चिप्स होंगे, कुरकुरे हो गए, इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि इनमें साल्ट और ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है और हमारा ब्लड प्रेशर उससे बढ़ता है। हमें ऐसे फूड अवॉइड करने हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट हो या ट्रांस फैट ज़्यादा हो, जैसे चिप्स हो गए, फिंगर चिप्स हो गए, ये अपना बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, या फिर हम देखते हैं कि जब मार्केट में जाते हैं तो कई जगह कोई समोसे तल रहा है या पूड़ियाँ चल रही हैं, तो वो एक ही तेल को बार 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 बॉयल करके उसी को इस्तेमाल करते हैं। वो जो तेल है, जितनी बार वो इस्तेमाल होगा उसमें उसका सैचुरेटेड कंटेंट बढ़ जाता है, और सैचुरेटेड कंटेंट, ये जो फैट होता है, ये हमारा सीधा खून की धमनियों में जाके जमना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी खून की धमनियाँ नैरो होना शुरू हो जाती हैं, मतलब बंद होना शुरू हो जाती हैं, और हमारे में ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही बढ़ता है और हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के फूड्स हमें नहीं लेने चाहिए, और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है
उनको नमक का सेवन बहुत कम करना चाहिए, जैसे सैलेड वगैरह या सलाद आप लेते हैं तो उसके ऊपर नमक नहीं डालना है, अचार का सेवन नहीं करना है क्योंकि अचार बनाने में बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल होता है। दोस्तों तो मैंने जैसे बताया कि इन फूडों में, इन चीज़ों में जो रेसिपीज़ हैं इनमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, बर्गर हो गया, ये पाइज हो गए, चिकन नगेट्स हो गए, वनस्पति घी पहले बहुत आता है, डोनट्स, इन सब में बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट है। ठीक है कभी कभार हम खा सकते हैं लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बीपी के मरीज़ के लिए या हार्ट के मरीज़ के लिए अच्छी आहार नहीं है, इनसे नुकसान होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही ये सारे ही अनहेल्दी फूड हैं जैसे बीफ, लैम, पोर्क, इनका सबका, चिकन, चीज़, बटर, क्रीम, मायनेज, हॉट चिप्स, ये सब हमारे लिए, आइसक्रीम, सब अनहेल्दी फूड हैं। और जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों या फिर हार्ट अटैक जिनको पहले आ रखा हो या फैमिली हिस्ट्री हो जिनको, तो उनको ये इन चीज़ों का सेवन बहुत कम करना चाहिए। जैसे ये पिक्कल हो गया, पापड़ हो गए, सूप हो गया, इनमें साल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हमें अवॉइड करना है, इनको नहीं खाना है अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या फिर अगर हमें हार्ट अटैक होने के रिस्क ज़्यादा हैं। तो दोस्तों योगा और मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, योगा करने से हमारा स्ट्रेस लेवल तो कम होता ही होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होता है। और हमें चाहिए कि डेली हम मेडिटेशन या योगा के लिए टाइम निकालें अपने व्यस्त जीवन में, कम से कम आधे घंटे से लेकर 1 घंटा अगर हम योगा मेडिटेशन के लिए निकाल सकते हैं तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। दोस्तों मैंने जैसे जो आपको बताया कि वेट रिड्यूस करने से या डैश डाइट से या नमक करने से, कम करने से हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, तो ये पाया गया है कि जो लोग अपना ब्लड प्रेशर, सॉरी, वेट कम करते हैं, वजन कम करते हैं और अपना नॉर्मल बॉडी वेट ले आते हैं, बीएमआई होता है आपका नॉर्मल 18.5 से 24.9, मतलब ये अगर हम देखें किसी का वेट है अगर उसको हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टी डिवाइड करें तो जो रिज़ल्ट आता है तो वो आपका बीएमआई होता है, वो नॉर्मल बीएमआई होता है 18.5 से 24.9। तो ये देखा गया है कि जो लोग अपना वेट रिड्यूस करते हैं तो उनमें ब्लड प्रेशर कम से कम, ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है 5 से 20 mm तक कम हो जाता है हर 10 kg लॉस के ऊपर। तो जो अपना वेट, और जब भी हम वेट रिड्यूस करते हैं हमारा वेट लॉस करने की टेंडेंसी हमेशा हफ्ते में 0.5 से 1 kg, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हमें कम करना भी है वेट तो एक हफ्ते में आधा किलो से 1 किलो कम करना चाहिए। अगर ये देखा गया कि जो बहुत ज़्यादा ओवर वेट होते हैं, जो 20 होते हैं, अगर अपना 10 kg वेट कम कर लेते हैं तो उनमें ब्लड प्रेशर कम से कम, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 5 से 20 mm तक कम हो जाता है। जैसे मैंने आपको डैश डाइट बताई, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट रिच डाइट थी, या लोग जो कम फैट वाली चीज़ें खाते हैं या सैचुरेटेड फैट कम लेते हैं, तो उनमें भी देखा गया है कि 8 से 14 mm तक ब्लड प्रेशर कम होता है। ऐसे ही अगर हम अपना नमक का सेवन 5 ग्राम या 6 ग्राम, 5-6 ग्राम से कम कर दें तो हमारा ब्लड प्रेशर 2 से 8 mm तक कम हो जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से, ब्रिस्क वॉकिंग करने से देखा गया है कि 150, मतलब 150 मिनट पूरे हफ्ते में, या फिर 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करने से 4 से 9 mm तक ब्लड प्रेशर कम होता है। अल्कोहल के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो उसको कम करके आप अपनी कम कर दीजिए, कम से कम 2 ड्रिंक्स पर डे ले सकते हैं, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी कि आप अपना दारू पीजिए, क्योंकि दारू अगर आपके ऊपर, आपको ब्लड प्रेशर कम नहीं कर रहा है या ज़्यादा नहीं कर रहा है तो ये लीवर डैमेज करता है, पैंक्रियास डैमेज करता है,
आपके इंटेस्टाइन डैमेज करता है, आपके ब्रेन को डैमेज करता है। तो ओवरऑल इसका अगर देखा जाए तो बहुत यूजफुल इफेक्ट नहीं है। और हमें स्मोकिंग आज से ही बंद कर देनी चाहिए। स्मोकिंग बंद करेंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, लंग कैंसर का रिस्क जो होगा वो कम हो जाएगा और हम अच्छा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। दोस्तों ये तो थी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाइयाँ देता है, तो हमेशा दवाइयाँ खाइए और उनके साथ साथ इन चीज़ों के ऊपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, इसके ऊपर आप गौर कीजिए, इनको अपनी ज़िंदगी में डालिए, तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होगा। कभी भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह से ना तो शुरू करिए ना उसको बंद करिए। हमेशा दवाइयाँ लेते रहिए और इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर अमल करते रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा खुश रहिए। जो खुश रहता है वो बीमारियों से मुक्त रहता है। थैंक यू वेरी मच।